श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। बहुत धन्यवाद वाइस चेयरमैन महोदया, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत सारी बातें इस बिल के संबंध में कही गई हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए थे 1914 में, जिसमें राज्य सरकारें भी पार्टी थी और केंद्र सरकार भी पार्टी थी, उसी के बाद कई जगह इस पर कार्रवाई भी हुई। मैं उस पर चर्चा करूंगा बिहार के बारे में भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार, कम से कम अभी तक मेल फीमेल जेंडर की बात होती थी, अब कम से कम ट्रांसजेंडर की बात हो रही है। अभी मैं बिहार में देख रहा था, अभी जो हमारे बन रहे थे वोटर्स, जो हमारे ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, तो मुझे देख करके बड़ा अच्छा लगा कि उसमें मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर भी लिखा हुआ था। ये शुरुआत हो गई है। एक बात चर्चा में आई है कि साहब उनकी जो आइडेंटिटी है उसके लिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत है या नहीं है, या सेल्फ प्रोक्लेमेशन की बात है। चूँकि आप लाभ देंगे आगे चल कर करके, इसलिए ज़रूरी है कि उनके पास कोई न कोई सर्टिफिकेट हो। और आज सर्टिफिकेट के बारे में बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप जाइएगा, सब लोगों को आय प्रमाण पत्र लेना होता है, निवास प्रमाण पत्र लेना होता है, जाति प्रमाण पत्र लेना होता है, बहुत सारे प्रमाण पत्र लेने होते हैं। और इसके लिए नीचे स्तर पर अलग अलग अथॉरिटीज होते हैं। इसमें सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, हालांकि इसमें आगे है कि जब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में रूल्स बनेंगे तो उसमें इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस प्रकार और भी सर्टिफिकेट्स बनते हैं, जिस स्तर पर बनते हैं, उसमें ये व्यवस्था लाई जानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये जहाँ तक बात हो रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट में भी बोर्ड बने हैं, हमारे बिहार में ही बोर्ड बन चुका है। और एक बात आ रही थी जिसकी चर्चा सब लोगों ने किया कि आखिर इनको आरक्षण की बात आ रही थी, तो आरक्षण के बारे में एक जो बिहार गवर्नमेंट ने किया, मैं आपके सामने देना चाह रहा हूँ कि जो सोशियो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की श्रेणी में लाना, तो हमारे बिहार में दो श्रेणी होती है उसमें, एनेक्शर वन एनेक्शर टू। एनेक्शर वन जो होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज होते हैं, और एनेक्शर टू होते हैं जो उससे बेटर होते हैं। तो बिहार में बिहार सरकार ने इनको एनेक्शर टू में, उनको उस कैटेगरी में डाल दिया, जिससे कि उनको आरक्षण सेवा में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनको मिल जाए। तो ये काम किया गया। इसके साथ साथ ही जो भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की होती है, कई लोग जो हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराते हैं, उसके लिए 1.5 लाख रुपये उन लोगों को दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने वहाँ किया है। हम लोगों को अब ये समय आ गया है, सही है कि बहुत वर्ष हो गए, हम लोगों को शुरुआत कर देनी चाहिए। और उनको सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उनके मन में स्टिग्मा रहता है, समाज में जो स्टिग्मा रहता है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए ज़रूरी हम माइंड सेट पहले ख़त्म करें। उनको जब हम शिक्षित करेंगे, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का हम कार्यक्रम चलाएंगे, उनको अच्छी हम व्यवस्था देंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, और जब उनको सरकारी सेवाओं में नौकरी मिलेगी तो निश्चित रूप से समाज की मेन धारा में आएंगे, और इससे उनको लगेगा कि समाज उनके लिए ख्याल करता है। और हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि आज की तारीख में होता क्या है कि ये जो ये समाज है, दूसरे लोगों की खुशियों में वो जाते हैं उनका उत्सव के रूप में मनाने के लिए। हम लोग इस प्रकार का माहौल इस देश में करना चाहिए, इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए, इस प्रकार से उनको सुविधा दी जानी चाहिए कि वो अपने लिए भी एक तरह से उत्सव का माहौल बनाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।